चलिए दूसरी क्वेरी फेसबुक के जरिए हमसे विवेक गुप्ता ने सवाल भेजा है, ये IRFC पे राय जानना चाहते हैं, 4000 शेयर्स होल्ड करते हैं और 24.9 इनकी खरीद का भाव है, अभी फिलहाल इसको इनको इस काउंटर में घाटा हो रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें बने रहें या फिर घाटा बुक कर लें। रवि आपसे इस पे राय जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग काउंटर है, बट हाल फिलहाल थोड़ा सा इसमें एक्शन बना है क्योंकि पिछले एक महीने में लगभग इसने करीब 6% के रिटर्न्स तो दिए हैं, तो आपकी क्या राय होगी कि इसमें बने रहना चाहिए क्योंकि बजट भी आने वाला है, रेलवे से जुड़ी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को और आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए सृष्टि जी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ईवी और रेल और शुगर, फर्टिलाइजर, इन स्टॉक, इन सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ बजट के टाइम पे ज्यादा अट्रैक्टिव देखता हूँ, और उसी का एक इम्पैक्ट है कि रेलवे की चर्चा तभी होती है जब बजट आने वाला होता है, और अभी फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जिस निवेश से आप बने हुए हैं उसमें आप 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, बने रहिए, और बजट के अनाउंसमेंट के बाद जो भी रेट हो वहां पर उसके बाद इस स्टॉक से स्विच कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक में उतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी नहीं और बहुत ज्यादा मोमेंटम बनेगा नहीं, तो बजट तक अभी आप होल्ड करके रखिए। लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेशन ऑन बजट है, बाकी फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्स्टेंट है, बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम के यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बन रहे हैं, वोलेटिलिटी सिर्फ जो होगी उसका फायदा होगा, 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल एग्जिट करिए, नहीं तो बजट के बाद एग्जिट जरूर करिए। ठीक है, फिलहाल 20 रुपए के स्टॉप लॉस से शेयर में बने रहने की सलाह है और बजट के बाद अपने पोजीशन की समीक्षा कीजिए आप।